Mini, Daniel Atlas, Hamley Reeves, Jack Biter, Arthur Fressler और MGM Grand पेश करते हैं चार घुड़सवार। थैंक यू। आज रात हम यहाँ कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे हम बहुत मुनफरिद हो जाएंगे। इस आखिरी ट्रिप में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो लॉस वेगास के स्टेज पे कभी नहीं हुआ, बल्कि दुनिया के किसी स्टेज पर नहीं हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज रात हम एक बैंक लूटने जा रहे हैं। एक जुर्म करने पर सब लोग कितने खुश हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों का क्या ख्याल है? One, two, three, go! Excuse me, sir. असल में यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने की इजाजत नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स। ऐसे बंद कर देता हूँ। ये मुझे दे दीजिए, हम शो के बाद आपको दे देंगे। ओके। अब प्लीज सब बैठ जाइए। यहाँ पर कौन है जो चाहता है कि उसका बैंक लूटा जाए? काफी ज्यादा लोग लूटना चाहते हैं भाई, तो अब हम रैंडमली चूज करेंगे किसी को। मेरे साथ ही यकीन दहानी करेंगे कि ये रैंडम होगा। एल्विस, मुझे दे दो मेरे दोस्त। जैक के बाउल में पिंग पोंग बॉल्स हैं जिनके ऊपर सेक्शन नंबर्स लिखे हैं। जैक, मुझे सेक्शन नंबर पकड़ाओ। थैंक यू। हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन बी। सेक्शन बी कहाँ है? ओके, वहाँ पे। या आप ही में से कोई होगा, तैयार है? पता नहीं सब लोग क्यों खुश हो रहे हैं, ये तो उनकी बारी है। मेरिट, मुझे रो नंबर देना प्लीज। थैंक यू मेरिट, हमारे पास है रो नंबर 5। और हेनली, प्लीज मुझे कोई रैंडम सीट नंबर भी दीजिए। लकी नंबर 13, B513। कहाँ हो तुम? सर प्लीज खड़े हो जाइए, ये रहे। हाय, क्या आप प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे कि ये वाकई आपकी सीट है, B513? जी। ओके, बहुत खूब। अब प्लीज आप हमें अपना और अपने बैंक का नाम बताइए। जी, मेरा नाम है एटीएन फॉरसेयर और मेरे बैंक का नाम है क्रेडिट रिपब्लिकन ऑफ पेरिस। फ्रेंच? ओके। वैसे अगर कोई लोकल बैंक होता तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाती, मगर ठीक है, चले, हमने वादा किया, हम अपना वादा पूरा करेंगे। आप प्लीज स्टेज पर आ जाइए, हम आपका बैंक लूटेंगे। और जब तक ये यहाँ पहुँचते हैं, आज रात यहाँ पर कोई ऐसा मौजूद है जिनके बिना शायद हम महज चार आम मैजिशियंस होते, जो शायद कहीं पर या शायद यहीं पर पहुँचने की कोशिश कर रहे होते। आप शायद उनको जानते होंगे क्योंकि उनका नाम वो अपनी सारी कंपनीज में यूज करते हैं। वो हमारे मोहसिन हैं, हमारे दोस्त हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर आर्थर क्रेसलर। प्लीज खड़े जाइए आज, यहाँ के वाहिद शख्स जिनके पास क्वीन का सेल फोन नंबर है। एक्चुअली प्लीज आप खड़े रहिए आज। मैं कहना चाहूंगा कि जब हम मिस्टर ट्रेसलर के पास आए, हमने वादा किया कि हम एज ए यूनिट दुनिया के सबसे बड़े मैजिशियंस बन सकते हैं। हम आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और अगर आपने बाहर हमारा साइन देखा हो तो उस पर आपका नाम लिखा है। अगर तुम उतनी अच्छी निकली जितनी तुम समझती हो, तो फिर ऐसा करने की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ, आप पहले देखिए और खुद डिसाइड कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्थर क्रेसलर। थैंक यू। और एक बार फिर हम रुझू करते हैं हमारे दिलों की धड़कन मेरिट मैकेनी की तरफ। एटीएन, जैक अब जो चीज स्टेज पर ला रहा है, हमारी जादू की दुनिया में उसे कहते हैं टेलीपोर्टेशन हेलमेट। आपको ये हेलमेट अपने सर पर पहना है ताकि आप जमानों मकान की कैद से बाहर हो जाएं और आप पहुंच जाएं अपने बैंक 9वें कॉरिडोर। हाँ, अब जब आप वहां पहुंच जाएंगे तो इस हेलमेट के जरिए हम आपसे बातचीत करने के काबिल होंगे। चलो। ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत है। इसकी इजाफी खूबी यह है कि ये बहुत स्टाइलिश। अब वो टाइम नहीं रहा जब फ्रेंच लोगों को अमेरिकन फैशन सिखाते थे। बताइए, इनके सर पर ये खूबसूरत लग रहा है? लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मगर इससे पहले कि आप कहीं जाएं, आप प्लीज एक कार्ड पिक कीजिए, कोई भी। ये वाला नहीं। इट्स ओके, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था आपसे, आप कोई भी कार्ड ले सकते हैं। ओके, ये वाला। ओके, अब आप सेक्शन बी में बैठे अपने दोस्तों को दिखा दीजिए। ठीक है, अब अगर आप इस पे अपने सिग्नेचर कर दीजिए, उर्दू में अगर मुमकिन हो तो। मजाक अच्छा करते हो। थैंक यू। इसे अपनी जेब में रखिए। और अब काम शुरू।
चलो अब हम अपनी इस जदीद मशीन में बैठते हैं। तुम अपनी कामयाबी से एक कदम ही दूर हो। यहाँ वेगस में 11:50 हो रहे हैं, यानी पेरिस में 8:50 होंगे। 10 मिनट बाद तुम्हारा बैंक खुलने वाला है। 1, 2, 3 क्या बकवास है। एटीएन, ये इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए था। एटीएन यार बड़ा अच्छा आदमी था वो बेचारा, कहाँ चला गया। वेट, ये रहा वो। नहीं, प्लीज, मैं डैनियल हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एटीएन, क्या तुम ठीक हो? हाँ, परफेक्ट। वहाँ क्या नजर आ रहा है आपको? पैसा, क्या ये असली है? हाँ, ये तो लगता है तकरीबन 3 मिलियन यूरोस है यहाँ पे। ओके, आपको पता है क्या करना है? आप वो वाला कार्ड जो आपने साइन किया था अपनी जेब में से निकालिए, और मैं चाहता हूँ कि आप आज के शो की टिकट भी अपनी जेब में से निकालिए। इन दोनों चीजों को रकम के बीच में रख दीजिए। आप फेंक दीजिए। अब आपके हेलमेट के एक साइड पे आपको एक बटन मिलेगा, इसे दबाइएगा नहीं। इसे ये बटन एक वैक्यूम क्रिएट करेगा जो कि जोड़ेगा पेरिस को लॉस वेगस से। ओके, अब दबाइए इसे। ठीक है एटीएन, अब जरा संभल के, अब तुम्हें थोड़ी खला महसूस होगी। Thank you everyone. Good night. Good night.